तो मैं पॉइंट्स टू रिमेम्बर कर देती हूँ और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ ताकि आपको दोबारा से पता चल जाए कि आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन होता है। अब यहाँ पे देखिए, जितने भी आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन में हमने देखा, उसने किस तरीके से पोर्ट्रे किया, उसने जो है मिडिल क्लास को ज्यादा पोर्ट्रे किया, उसने एरिस्टोक्रेसी को बयान जरूर किया लेकिन जहाँ पे रिक्वायर्ड थी, ठीक है। उसके बाद उसका कैरेक्टर्स जो थे वो बहुत ज्यादा नैरो थे और वो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स थे। उसके कैरेक्टर्स जो है वो पोजेस करते हैं इंडिविजुअल एज वेल एज यूनिवर्सल, ठीक है। वो खुद इंडिविजुअल भी थे और यूनिवर्सल। इंडिविजुअल कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर कहते हैं जो अपने मिसाल आप होता है, और यूनिवर्सल एक ऐसे कैरेक्टर को कहते हैं जो कल भी है और आज भी है, आमतौर पर हर जगह पे पाया जाता है। उसके बाद जेन ऑस्टन ने अपने कैरेक्टर्स को रिवील किया ड्रामेटिकली थ्रू द डायलॉग्स, एक्शंस एंड लेटर्स, ठीक है। उसने एक्शंस, डायलॉग और लेटर्स के थ्रू पोर्ट्रे किया। उसके कैरेक्टर्स जो हैं कैन बी बेटर अंडरस्टूड थ्रू कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। कंपेयर एंड कंट्रास्ट एक दूसरे से किया जाए तो हम उसको अच्छे तरीके से जान सकते हैं, जिसमें नॉट ओनली हम मेल एंड फीमेल का कैरेक्टर कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर सकते हैं। जो प्रोटेगनिस्ट थे जिसमें डार्सी एंड एलिजाबेथ थी, उसको हमने देखा कि किस तरीके से उसने कंपेयर किया। उसके फॉयल कैरेक्टर्स कौन कौन से थे? एलिजाबेथ का जो फॉयल कैरेक्टर था वो जो है क्या कहते हैं, शार्लोट, जी हाँ जी रम, शार्लोटे था, और शार्लोटे लुकाक एंड देन और जो, जेन यस जी ठीक है। और डार्सी के कौन से थे भाई फॉयल कैरेक्टर्स? पॉइंट, विकम हाँ जी, डार्सी के कौन से कैरेक्टर्स थे? हाँ मिस्टर विकम जी, विकम भी था, और कौन था, एक और भी था विकम, और कॉलिन कॉलिन भी था, यस एक और भी था, हाँ जी एक और भी था, बिंगली ना, बिंगली जो था वो बहुत ज्यादा वो शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं था, जबकि डार्सी जो था वो थोड़ा शाय था, शॉर्ट टेम्पर्ड था। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, थ्रू द रेंज ऑफ हर कैरेक्टर, दो द रेंज ऑफ हर कैरेक्टर इज नैरो। देखिए, जेन ऑस्टन के बारे में कहा जाता है कि उसकी जो रेंज थी वो बहुत लिमिटेड थी। उसने सिर्फ मिडिल क्लास के ऊपर मैक्सिमम अपना नॉवल लिखा, लिमिटेड कैरेक्टर के ऊपर लिखा, और थीम भी लिमिटेड होती थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थीम ऑफ मैरिज, लेकिन उसके जो कैरेक्टर्स थे दे कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड बाय देयर इंडिविजुअल इडियोसिंक्रेसीज। लेकिन वो अपने इंडिविजुअल इंडिविजुअल कैरेक्टर, मैंने जैसे अभी भी बताया एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो अपनी मिसाल आप होता है, यानी कि उसके जैसा कोई और कैरेक्टर नहीं होता। हमने देखा कि उसने जितने भी अपने कैरेक्टर्स बना पोर्ट्रे किए हैं डिफरेंट नॉवेल्स में, वो सब डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द रिमेनिंग जितने भी उसके नॉवेल्स हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, कंपेयर एंड कंट्रास्ट में हमने मेल एंड फीमेल का कैरेक्टर देखा, फ्लैट एंड राउंड कैरेक्टर्स देखे जिसमें हम कॉम्प्लेक्स एंड राउंड, कॉम्प्लेक्स या फ्लैट कैरेक्टर्स, राउंड कैरेक्टर्स कोई हमने कहा, मैंने आपको बताया था कि जो है कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स एंड फ्लैट कैरेक्टर्स, उसका कॉम्पेयर एंड कंट्रास्ट, फिर फॉयल कैरेक्टर्स का कॉम्पेयर एंड कंट्रास्ट, ये हमने सारी चीजें देखी। अच्छा, उसके बाद जो है हमने एक और कॉम्पेयर एंड कंट्रास्ट भी देखा, द एलीट एंड द मिडिल क्लास लेडीज जो किस तरीके से जो है बिहेव करती। अच्छा, उसके बाद जेन ऑस्टन, फिर मेल एंड फीमेल कैरेक्टर्स का भी कंपेयर एंड कंट्रास्ट, ठीक हो गया। काफी सारे कंपेयर एंड कंट्रास्ट होते हैं। जेन ऑस्टन एट द टाइम आइडेंटिफाइज हरसेल्फ विद द हीरोइन ऑफ द नॉवल, और जेन ऑस्टन जो है वो आइडेंटिफाई करती हैं हरसेल्फ विद द हीरोइन ऑफ द नॉवल। उसके कैरेक्टर्स जो हैं वो रियल ह्यूमन बीइंग्स हैं, मिक्सचर ऑफ गुड एंड इवन। तो उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो मिक्सचर ऑफ गुड एंड इवन है। अगर जेन को हमने देखा कि वो विट और इंटेलेक्ट थी उसके अंदर, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो शॉर्ट टेम्पर्ड भी थी, उसके अंदर प्राइड एंड प्रेजुडाइस भी था। हर मेजर कैरेक्टर चेंज व्हाइल माइनर कैरेक्टर्स आर फ्लैट, ठीक है। उसके जो मेजर कैरेक्टर्स जो हैं वो चेंज होते हैं, लेकिन क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स थे, लेकिन उसके माइनर। अच्छा, एक कंपेयर एंड कंट्रास्ट एक और भी होता है, वो मेजर और माइनर कैरेक्टर्स का भी कंपेयर एंड कंट्रास्ट होता है। फिर उसके कैरेक्टर्स जो थे वो ट्रू टू लाइफ थे, रियलिस्टिक थे। नंबर 10 जो है, हम एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि उसके जो कैरेक्टर्स थे वो साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे, उसके कैरेक्टर्स इंडिविजुअल थे, उसके फीमेल कैरेक्टर्स जो हैं वो बेटर ड्रॉन हुए हैं देन द मेल कैरेक्टर।
ठीक है, तो उसके फीमेल कैरेक्टर्स को ज्यादा अच्छे तरीके से उसने ड्रॉ किया है देन द मेल कैरेक्टर। ये आपके कुछ पॉइंट्स हो गए। कभी भी आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन का क्वेश्चन आ जाए, आपने सबसे पहले आउटलाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, कि कैरेक्टर्स उसने जो है इस तरीके से बताए हैं जी, ये इसके अंदर थीम मतलब किस तरीके से उसने ड्रॉ किए हैं, उसने जो मेन कैरेक्टर था वो एलिजाबेथ का था, हीरोइन थी, और ये वो सारा, ठीक है। उसके बाद शुरू हो जाए कि जी वो जो कैरेक्टर्स हैं वो अपने डायलॉग्स के थ्रू, एक्शंस के थ्रू और इस तरह से रिवील हुए। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए कंपेयर एंड कंट्रास्ट पे, ठीक है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट करें, मेल कैरेक्टर्स का अलग पैराग्राफ बना लें, फीमेल कैरेक्टर्स का अलग बना लें, फिर राउंड एंड कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स का बना लें, फिर एक पैराग्राफ बना लें फॉयल कैरेक्टर्स का, फिर उसके बाद आ जाए जी उसके कैरेक्टर्स रियलिस्टिक थे, फिर आ जाए उसके कैरेक्टर्स इंडिविजुअल थे। देखिए कितने सारे पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो है आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन में फिर अच्छा सिंबलाइज क्या क्या करते थे, उसके कैरेक्टर्स जो थे मिडल वर्सेस इंडिविजुअल क्लास भी थे, ठीक है, उनके बिहेवियर्स कैसे थे, उनके मैनर्स कैसे थे, वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स थे। अच्छा मैंने अभी एक क्वेश्चन पूछा था, अभी आपके सिलेबस में एक कॉमेडी ऑफ मैनर्स हमने पहले भी पढ़ा, कौन सा कॉमेडी ऑफ मैनर्स अभी हम पढ़ चुके हैं, उनका जो ड्रामा है ना उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, दैट इज द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ठीक है। और वो बहुत खूबसूरत तरीके से ऑस्कर वाइल्ड ने, यहाँ पे तो बहुत लाइटर टोन में कॉमेडी हुई है, लेकिन जो ऑस्कर वाइल्ड ने इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट के अंदर आप जो है एक बताया कॉमेडी ऑफ मैनर्स, दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल वे। और नॉर्मली मैं प्राइड एंड प्रेजुडाइस और इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट को इकट्ठा पढ़ाती हूँ, क्योंकि दोनों कॉमेडी ऑफ मैनर्स है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अभी तो खैर हम एंड पे चल रहे हैं, तो अब उस तरह से हमारा स्केड्यूल डिजाइन भी नहीं हो सकता, लेकिन जब स्टार्टिंग होती है ना नेक्स्ट ईयर, ये गलती ना कीजिएगा, पार्ट टू में ना स्टार्टिंग में आइएगा, क्योंकि आपके वैसे एग्जाम्स लेट हैं, नवंबर के बाद टाइम भी नहीं होगा आपके पास, नवंबर में आपके एग्जाम्स हैं तो आपके पास दिसंबर से लेके जून तक सिर्फ 6 महीने रह जाएंगे, हमारे पास पहले ही शॉर्ट टाइम होगा, तो अभी आपने गलती नहीं करनी कि एंड पे आना है। अच्छा उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इसका मेरा क्वेश्चन है आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन में, इसका अगर कोई एलिजाबेथ से रिलेटेड कोट है आप लिखें, आपको लगता है कि जैसे कोई भी कोट है रिलेटेड टू, अभी देखिए हमने अभी भी देखा कि मतलब इसके जो डायलॉग्स थे इवन वो भी कॉमेडी ऑफ मैनर्स को शो कर रहे थे, और इवन वो डायलॉग भी रिवील कर रहे थे कैरेक्टर को। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात कर रहे थे ना कि कैरेक्टर्स जो है वो अपने डायलॉग्स के थ्रू रिवील हो रहे थे, तो अभी कल वाला जो मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया उसमें देखें जो डार्सी का प्राइड है वो कहाँ से रिवील होता है, जब वो एलिजाबेथ के बारे में कहता है कि शी इज नॉट हैंडसम एनफ टू टेम्प्ट मी ना, तो ये दैट इज द वो उसका डायलॉग है जो कि उसकी मिजाज को शो करता है कि डार्सी इस तरह का था, ठीक है। सेम इज द केस विद द सर्वेंट, वो जब एलिजाबेथ जाती है डार्सी के पेम्बर्ले में, तो वहां पे जब वो उसके घर जाती है तो एट दैट टाइम सर्वेंट उसको बताता है कि ही इज वेरी जनरस, यानी कि सर्वेंट के डायलॉग्स रिवील करते हैं कि डार्सी बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देखें, अभी हमने जो टाइटल वाला क्वेश्चन था उसके अंदर हमने बहुत सारी कोट्स पढ़ी थी जो कि कैरेक्टर्स को रिवील करी थी, तो आपको कोई डायलॉग मिलता है आपसे, आपको कोई भी इस तरह की कोट्स, बेटा मैं आज आपको शेयर खुद कर देती हूँ, आप लोगों को मैंने दूसरे नोट्स अपने शेयर किए थे उसके अंदर कोट्स बहुत ज्यादा थी, जो एक फाइल आपको शेयर की है मैंने प्राइड एंड प्रेजुडाइस रिटन बाय आसपा शेख, वो मैंने आपको इसलिए शेयर किया, उसके अंदर कोट्स बहुत ज्यादा, उसको एक दफा आज खोल के देखिएगा, उसके अंदर बहुत सारी कोट्स मैंने ऐड की हुई, उसको बेटा एक दफा देख लीजिएगा। बाकी जो कोट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो मैं एट द एंड, जिस दिन हम एनुअल हमारा डे होगा ना इसका, लास्ट डे, सॉरी एनुअल तो नहीं, लास्ट डे होगा पास्ट पेपर्स का, तो उस दिन बेटा मैं आपको कोट्स भी लिखवा दूंगी, लेकिन आप खुद से भी देख लें, जो आपको नोट्स एक्स्ट्रा शेयर करती हूँ ना उसमें से कोट्स निकाल लिया करें और वो इधर ऐड कर दिया करें। असल में मैं डिफरेंट नोट्स इसलिए नहीं, और अगर वो प्रिंट आउट निकालने लग गए ना मेरे नोट्स के तो लिटरली उनका बहुत खर्चा हो जाना है, तो आप लोगों का खर्चा बचाने के लिए मैं ये सारा प्लान होता है कि स्टूडेंट परेशान ना हो, अगर आप परेशान हो जाएंगे फिर आप पढ़ेंगे नहीं, तो जो आपको एक्स्ट्रा नोट्स मैं आपको शेयर करती हूँ ना काइंडली उसको एक दफ़ा खोल के और देखा करें, इवन जो प्रीवियस भी मैं आपको कहती हूँ ना बेटा मेक द पॉइंट्स बनाइए,
मैं इसलिए कहती हूँ कि वो जो आप कोर्स एक लिख लेंगे ना अपने रजिस्टर के ऊपर, वो ही कोर्स एक्चुअली आपकी बाकी सारे क्वेश्चंस में ऐड हो जाते हैं। आप जरा गौर से देखिएगा, अभी तक हमने जितनी कोर्स पढ़ी हैं, जितने क्वेश्चंस किए हैं, उसमें सारी वो जो है मतलब वो कोर्स आपकी ऐड हो जाएगी। ठीक है, सहर का हो गया, क्लियर हो गया। जो है आज अपना ये असाइनमेंट करेंगे आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन, उसमें आपके दो क्वेश्चंस आएंगे जो कल पास्ट पेपर्स मैंने आपको शो किए थे। कल का जो है मैंने अपलोड कर दिया गूगल क्लास पे, आपका आपकी असाइनमेंट वो कंप्लीट करें और उसको अपलोड करें। जो आपकी प्रीवियस असाइनमेंट है जो ईद से पहले आपको दी थी, जिस जिसकी कंप्लीट है काइंडली वो गूगल क्लास में अपलोड कर दें। और जो आज का आपका क्वेश्चन है वो मेल कैरेक्टर्स एंड पोर्ट्रे द मेल कैरेक्टर्स एंड प्राइड एंड प्रेजुडिस। ठीक है, आपने वो मेल कैरेक्टर्स वाला क्वेश्चन जो है वो करना है। यहाँ तक और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बेटा मैं ऐसे पूछते हैं। अभी क्लियर हो गया सबको?